नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कृषि वाला टॉपिक अपना चल रहा था और उसी की क्लास नंबर 2 लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुका हूँ। अब थोड़ी ऑफिशियल भाषा हो गई है ना, अब हाँ आप पाचा देसी मात है, ठीक है, देसी ठीक है। ऑफिशियल में ज्यादा कह के दूरियां जिया करें, और देसी में यूं है के बढ़िया आराम हो हम जया करा, है ना। तो देखो आज दूसरी क्लास है और वैसे देखा जाए तो 42 नंबर की क्लास है, ठीक है। अब जैसा कि अध्यक्ष साहब कर्मचारी चयन बोर्ड के कह चुके कि आने भैया आपके नए जिलों के आधार पर ही है, और जो साथ साथ में अपडेट हो गए ना, किसी के मन में भय होगी क्या पता गुरु जी 8-10 जिले इधर उधर कर दे करा दे, कुछ भी नहीं बिगड़ना है। जो साथ साथ में अपडेट हो रहे हो ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना, उनको साथ साथ में अपडेट होने की जरूरत है बस, बाकी कोई नहीं। वैसे कुछ भी नहीं होना है, जिले बनाने आसान है, वापस उनको रद्द करने बहुत मुश्किल है। जनता का सीधा विरोध आ जाता है और सरकार कोई भी हो चाहे विरोध इतना नहीं झेल सकती। आगे 50% आरक्षण वाला बहुत जबरदस्त मुद्दा चल रहा है, अपन ने 1-2 वीडियो बनाए हैं देख लेना, उनमें जो भी है लड़कों की भावनाओं को साझा किया है। भाई महिला शक्ति की भावना है सर्वोपरि, मैं मेरे चैनल से तो ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई है ही है वैसे, और मैं बहुत अंदर से श्रद्धा रखता हूँ उनके प्रति। लेकिन जो चीज एक होती है कि हाँ कहीं ना कहीं बेचारे लड़कों के साथ में कहीं ना कहीं बुरा नहीं हो जाए, इसलिए वो वीडियो बनाना भी जरूरी था, बनाया भी है मैंने, आप लोग देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि कोई डायरेक्ट अजय अगर गुरु जी आप उस पर बोले ही नहीं, आप उस पर मैं हर मुद्दे पर जो सही पक्ष होता है उसको बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरी आदत है, शुरू से रही है, आगे भी रहेगी, तो आप उसे देख लीजिए। मैंने भावनाएं साझा की है, जो भी चीज है निष्पक्ष तरीके से बताया है। अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कृषि पार्ट 2। देखो कृषि के अंदर क्या ध्यान रखना है, जिले बदले हैं जो भी है जिस स्थिति से, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आर्थिक समीक्षा आएगी उसके अंदर नए आंकड़े आएंगे, वो नए जिलों के अनुसार आएंगे, तब अपन को आंकड़े जो है नए जिलों के अनुसार तब याद करने, तब तक आंकड़े वही याद करने जो पहले चले आ रहे हैं या पूछे जाएंगे तो भी वही। और दूसरी चीजें कृषि में बहुत सारी होती है, जैसे कृषि की शाखाएं होगी, कृषि में फसलों की किस्में हो गई, ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसलें ज्यादा हो रही है, कृषि के प्रकार हो गए, ये सारी चीजें कुछ नहीं बदलनी है जिलों के बदलने से, तो ये चीजें अपने को आनी चाहिए और इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास उसी पे है, ज्यादातर अपने कृषि के प्रकार पढ़ेंगे आज की क्लास में, कृषि की शाखाएं पढ़ेंगे अपने आज की क्लास में, और इनसे रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। अब जैसे कल की क्लास में पढ़ा अपने रबी खरीफ और जायद, तो इसमें नए जिलों के अनुसार कुछ नहीं बदलना, और प्रश्न बनते हैं ऐसे कैसे। अब मान लीजिए फसलों की किस्मों से रिलेटेड प्रश्न बने तो कुछ भी नहीं बदलना जिलों के हिसाब से। तो यहाँ पे कहने का मतलब है नई ज्योग्राफी भी पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को कोई अंदर जाके डेटा इतने याद नहीं करने हैं, क्योंकि डेटा नए इतने आए नहीं है। आप लोगों को ऊपर ऊपर की चीजें याद करनी है कि हाँ भैया ये स्थान यहाँ पे बड़े बड़े तौर पे यहाँ चला गया, बस यही मैं स्टार्ट से आपको समझाता आ रहा हूँ, और यही चीज अपडेट करनी है। इसमें कोई इतना थोड़ी कोई बवाल है कि अरे कैसे होगा ये होगा, आराम से रिलैक्स, जिस फ्लो के साथ में बढ़ रहे हो बढ़ते चलो, कोई चिंता की बात नहीं है, हकुनामा टाटा कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहली बार कि आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, कृषि के प्रकार, ध्यान पढ़ लियो, इनके अलावा था नहीं बढ़िया नोट्स मिलने वाला है कौन, हकीकत बात कह रही हूं। और इससे बढ़िया भले कितनी क्लासे देख लो आप, इससे बढ़िया तरीके से आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लासें नहीं मिलनी है, और इस कंटिन्यूटी के साथ में। और यदि पैसे ही खर्च करने हैं तो बात अलग है, मैंने किसी पेड कोर्स में जाकर पेड क्लासें देखी नहीं कि भैया वहां कैसा पढ़ा रहे कैसा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जितने कमेंट आते हैं उससे इतना जरूर जानता हूं कि पेड क्लासेस लेने वाले स्टूडेंट भी ये क्लास लेते हैं क्योंकि उन्हें लेनी पड़ती है। अब उसके पीछे क्या कारण है वो तो स्टूडेंट जाने, है ना। अब मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, मेरी जितनी नैतिक जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, बाकी क्या है क्या नहीं वो तो आप लोग जानते हो। अपने तो सीधी बात है कि न तो लाइव आवा और न फालतूरी बकैती करा, जो क्लास में जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि क्लास के मैटर पे कंटेंट पे फोकस रहना है वह रहते हैं अपन, है ना। तो आ जाओ भैया सीधे क्लास के ऊपर। चलिए उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता का मतलब क्या हुआ भाई, जमीन कितनी उपलब्ध है, लोग कितने हैं वहां। तो इस तरह की कृषि में 2 तरह के प्रकार है, एक तो है आप लोगों के गहन कृषि और दूसरा है विस्तृत कृषि, ठीक है। और इसी तरीके से नोट्स बनाना, बनाते हो तो इसी तरीके से बनाना, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न ही है। तो आपको पूछे उपलब्धता के आधार पे कितने प्रकार है, 2 है, एक तो गहन और एक विस्तृत। अब देखो गहन यानी कृषि योग्य भूमि कम है, इस शब्द से ही पता चल रहा है गहन कृषि है, यानी कृषि योग्य भूमि जो है वो कम है भाई, भूमि कम है
और यहां पे जो आप यूं कह दो कि लोग ज्यादा है, ठीक है, ऐसे कह दो कि लोग ज्यादा है, भूमि तो है कम और लोग है ज्यादा, ठीक है, जनसंख्या अधिक है, भूमि है कम, जनसंख्या अधिक है, तो वहां पे परंपरागत तरीके से कृषि ज्यादा होगी, परंपरागत तरीके से कृषि ज्यादा होती है वहां पे। और विस्तृत कृषि में इसका उलट है, विस्तृत में क्या होता है, कृषि योग्य भूमि अधिक है। अब जहां अधिक है, जैसे अमेरिका के मैदान है गेहूं के बहुत बड़े बड़े, तो वहां पे इतने लोग काम नहीं कर सकते, मशीनें ज्यादा लगती है वहां, वहां पे क्या है मशीनी वर्ग ज्यादा होता है, वहां पे जनसंख्या कम भूमि अधिक है, ठीक है। तो इसके अन्य नाम देखो, व्यापारिक कृषि, यांत्रिक कृषि। अब यांत्रिक कृषि आते ही आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा, मशीनों का ज्यादा प्रयोग होगा यहां, है ना, यांत्रिक कृषि, आधुनिक कृषि भी कह सकते हैं, और मशीनें ज्यादा है तो मशीनें तो आधुनिकरण का ही नाम है, तो आधुनिक कृषि, बस ऐसे ही समझना है इसको भाई। गहन कृषि में क्या है भाई, भूमि है कम, जनसंख्या है ज्यादा। विस्तृत कृषि, जैसा कि इसका नाम है विस्तृत कृषि है, यानी कि भूमि विस्तृत, भूमि ज्यादा है, जनसंख्या कम, भूमि ज्यादा है तो जनसंख्या ऑलरेडी कम, तो वहां पे क्या होगी, मशीनें ज्यादा काम में आएगी, तो वहां पे व्यापारिक फसलें ज्यादा तैयार होगी, वहां पे यंत्र ज्यादा काम में ले जाएंगे तो यांत्रिक कृषि कहलाएगी, वहां पे मशीनें ज्यादा काम में आ रही है तो आधुनिक कृषि कहलाएगी, और ये इसके नाम है। और यही चीज ध्यान रखनी है, क्या है, बिल्कुल आसान चीज है कि नहीं है। अब एक रट्टा मारने बैठते हो, एक ये चीज समझ ली आपने, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज याद भी हो गई, और आप लोगों के पास में एक बेटर कह सकते हो, बेटर क्या, बेस्ट भी कह सकते हो आप, यदि कहना चाहो कि नोट्स बन रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ये है उपलब्धता के आधार पे, बोल लीजिए कौन, उपलब्धता, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं फसलों के आधार पे कृषि। अब फसलों के आधार पे मतलब कि एक वर्ष में एक खेत, उदाहरण के तौर पे क्या लेना, एक वर्ष एक खेत। अब फसलें कितनी बोई जाती है, एक वर्ष में एक खेत में एक ही फसल बोते हैं, एक वर्ष में एक खेत में दो फसल बोते हैं तो द्विफसली, एक ही फसल बोते तो एक फसली, ठीक है, दो बोते हैं तो द्विफसली, और तीन बोते हैं, जैसे खरीफ रबी और जायद तीनों प्राप्त कर रहे हैं एक वर्ष में एक खेत से, तो आपके वहां पे आ जाएगी बहुफसली, ठीक है, और चार से अधिक आ जाती है, ठीक है, फिर वो रिले क्रॉपिंग हो जाती है कि थोड़े थोड़े से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यही चीज नंबर एक क्या है, एक फसली कृषि। यदि एक फसली नहीं पूछे तो क्या पूछा जाएगा, मोनोकल्चर। मोनो नाम आते ही मतलब कि एक है, ठीक है, मोनो सोलो ऐसे नाम आते हैं, यानी कि एक है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मोनोकल्चर। क्या है, एक वर्ष एक खेत एक ही फसल प्राप्त करना, एक साल में एक ही फसल प्राप्त की जाती है एक खेत से, जैसे कि आपके अरंडी सूरजमुखी आदि, ठीक है, ये एक वर्ष में एक खेत से एक ही फसल प्राप्त की जाती है, ये आते हैं एक फसली के अंदर, जो इसे क्या कहा जाता है, मोनोकल्चर, ठीक है। दूसरी बात, दो फसल प्राप्त करेंगे तो द्विफसली, ड्यूओ कल्चर कहा जाता है इसे, द्वि यानी ड्यूओ, ड्यूओ कल्चर कहा जाता है। अब क्या है, एक वर्ष एक खेत, ये तो कॉमन है, दो फसलें प्राप्त की जा रही है, क्या दो फसलें, अब दो कैसे, एक रबी की प्राप्त कर रहे हैं, खरीफ की प्राप्त कर रहे हैं, रबी और खरीफ के दोनों के अलग अलग बोने का समय है, एक के काटने का समय आता है, दूसरे के बोने का समय आ जाता है। अब जो उपजाऊ भूमि है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है, तो वहां से दो फसलें प्राप्त कर ली ना, तो उसे क्या कहेंगे, द्विफसली, ठीक है। अब बहुफसली इसे कहा जाता है, ओलिगोकल्चर, ठीक है। अब क्या है, एक वर्ष एक खेत दो से अधिक फसलें प्राप्त करना, यानी कि फसलें प्राप्त कर ली कितनी, तीन, कौन कौन सी, रबी प्राप्त कर ली, खरीफ प्राप्त कर ली, और जायद भी साथ साथ में कर ली, भैया मतीरा काकड़ी वगैरह या साइड में उगा दिया करें तो ए भी प्राप्त कर ली, तो इन कह दिया करें कि ओलिगोकल्चर या बहुफसली कह दिया करें। इनके अलावा एक और आवे रिले क्रॉपिंग, यानी चार और चार से अधिक, यानी साथ साथ में करते रहते हैं प्राप्त, तो उसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग। रिले रेस होती है ना, एक वो पकड़ाते हैं फटाक पकड़ाई, आगे से आगे पकड़ाई, वो जाते हैं चार चार जने होते हैं उसमें, तो चार या चार से अधिक करते हैं, उसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग, ठीक है। अगली बात समझ, एक फसली द्विफसली और बहुफसली, त्रिफसली नहीं होगा, बहुफसली होगा भाई, दो से अधिक जाते ही बहुफसली कर देना है। और ये क्या है, फसलों के आधार पर कृषि के प्रकार है। अब क्या गुरु जी इससे सवाल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं बेटा, बनते हैं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये है आप लोगों का बेसिक, जब बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो इमारत चाहे कितनी ऊंची खड़ी कर दो, कितनी बड़ी खड़ी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई अब देखो, राज्य में विभिन्न कृषि की पद्धतियां पढ़ते हैं। अब ये भी एक तरह की अलग अलग कृषि ही है, कृषि की पद्धतियां हैं, कृषि है अलग अलग,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्थानांतरित कृषि, जिससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरी कृषियां कौन कौन सी है, शुष्क कृषि। अब जैसा कि इसका नाम है, क्या नाम है, शुष्क। शुष्क यानी क्या है, सूखा। जहां पे सूखा होगा वहां कैसी कृषि होगी, शुष्क यानी क्या है, सूखा, ठीक है। तो कम पानी या केवल वर्षा जल की उपलब्धता या बारिश होगी तभी, या कम पानी 0 से 10 सेंटीमीटर तक के पानी के अंदर जो कृषि की जाती है वो शुष्क कृषि के अंदर आती है, या फिर बारिश आएगी उसके ऊपर निर्भर करेंगे, तो वो कृषि आ जाएगी आपके किसमें, शुष्क कृषि में। जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। फिर देखो आती है आर्द्र कृषि। अब जैसा इसका नाम है, आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीलापन। आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीलापन। अब गीलापन कब होगा, जब नमी ज्यादा होगी, पानी ज्यादा होगा। तो देखो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, आर्द्र कृषि कहलाती है। अब यहां पे जो चीज ध्यान देने लायक है वो थोड़ा सा ध्यान देना दीजिए, थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा ज्ञान, ठीक है। अब देखो यहां पे आर्द्र कृषि है और यहां पे लिखा हुआ है तर कृषि। इन दोनों के, तर का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब पानी से लबालब भरी हुई रहे, है ना, बिल्कुल तर हो गए के पानी से। अब इसमें इसमें क्या है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए, मतलब आर्द्र है वहां की जलवायु, आर्द्र है। तर कृषि में क्या होता है कि कृषि जो फसल होती है उसकी जड़ों में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, जैसे कि ये चावल की कृषि, ठीक है, इसकी जड़ों में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, इसे कहते हैं तर कृषि। तो तर कृषि और आर्द्र कृषि में थोड़ा अंतर है। आर्द्र कृषि में क्या होती है, जलवायु आर्द्र होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पे पानी की पर्याप्तता पूरी होती है, फुल पर्याप्तता है। लेकिन तर कृषि में तो पानी भरा हुआ ही, मतलब फसल में रहता है, जड़ों में भरा हुआ ही रहता है, वो आती है तर कृषि के अंदर। ये इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा सिंचित कृषि। अब सिंचित, जैसा कि इसका नाम है, जो कृषि सिंचाई के पानी पर निर्भर हो, जैसे कि अपने यहां चले जाओ आप गंगानगर हनुमानगढ़ वगैरह, इस तरफ सिंचाई के ज्यादा है, जहां जहां नहरें हैं, तो नहरें जहां जहां है वहां पे सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है। अब सिंचाई का पानी अलग अलग, देखो नहरों से भी होता है, नलकूपों से भी होता है, तालाबों से भी होता है, झरनों से भी होता है, तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जहां ऐसी कृषि जहां सिंचाई के पानी पर निर्भर हो वो सारे के सारे सिंचित कृषि। तो ये चार तो मुख्य ध्यान रखना है। शुष्क में क्या है, सूखा है, बहुत कम, 0 से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होगी वहां पे कृषि की जाएगी, या बरसात का पानी आ जाए तो उसके ऊपर निर्भर है। आर्द्र कृषि 100 सेंटीमीटर से अधिक है, जलवायु ही आर्द्र है पूरी। सिंचित कृषि सिंचाई के पानी पर निर्भर है। तर कृषि, तर रहनी चाहिए पूरी, पानी मतलब फसल की जड़ों में भरा हुआ रहना चाहिए, तो वो है तर कृषि के अंदर आएगा। फिर बची आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्थानांतरित कृषि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, देश के भी अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। इसका नाम स्थानांतरित है। स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान का अंतरण, अंतरण यानी बदलना, ठीक है, स्थान बदलना। अब क्यों बदलना पड़ता है, अब ये बदलना पड़ता है क्योंकि यहां पे ये जो कृषि की जाती है ये जंगल को जलाकर, क्या, या खेत को जलाकर उसकी राख, उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो होती है इसकी राख होती है उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और वो केवल कब तक उपजाऊ रहेगी, 2-3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, उसके बाद में वो जमीन हो जाती है पूरी तरीके से बंजर, पूरी तरीके से वो हो जाती है अनुपजाऊ, तो वहां पे फिर खेती की नहीं जा सकती, वहां से पैदावार पैदा प्राप्त की नहीं जा सकती, तो फिर स्थान बदलना पड़ता है। तो इसलिए ये कृषि कहलाती है स्थानांतरित। ज्यादातर में क्या होता है कि फसल को, जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाने वाली कृषि होती है, वो खाद कुछ समय के लिए खाद का काम करती है, उसके बाद में वो बंजर हो जाती है भूमि, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। अब अपने राजस्थान में स्थानांतरित कृषि के 3 प्रकार है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जिसमें से नंबर 1 आप लोगों के है वालरा, नंबर 2 है चिमाता, और नंबर 3 है दजिया, ठीक है। अब वालरा कृषि जो है ना, वालरा का मतलब सीधा सीधा है कि बालियों, बालियों मतलब बालियों, बालियों मारवाड़ी में कह दिया करे यानी जलाकर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जंगल को जलाकर, यहां क्या ध्यान रखोगे, जंगल को जलाकर, और इसमें स्पेशल ध्यान रखना है सहरिया और गरासिया जनजाति द्वारा ये ज्यादा की जाती है, ठीक है। वालरा कृषि सहरिया और गरासिया जनजाति द्वारा वालरा कृषि ज्यादा की जाती है, जंगल में आग लगाकर सीधे तौर पर की जाने वाली कृषि वालरा कृषि है। अब देखो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि आप लोगों के चिमाता है,
अब ची माता जब लिखो ना तो ची माता में थोड़ा सा ऐसे इसकी मात्रा लगा देना और फिर लिख लेना आप ची माता। तो यहां ऐसे लगाने से क्या होगा कि एक पर्वत जैसा आपके बन जाएगा, पहाड़ी जैसा बन जाएगा, ऐसे यूं समझने के लिए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि। स्थानांतरित तो है, जलाकर तो करेंगे, लेकिन इसमें साथ में ये लग जाएगा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली, की जाने वाली, ठीक है। और ये ज्यादातर कौन करते हैं, भील जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने सिखाने के लिए किया है। अब देखो दजिया, ठीक है, तो दजिया में आप ऐसे लिखो दजिया, ठीक है। ये जी मैंने कौन सा लिख दिया है, इंग्लिश वाला लिखा है आप लोगों को समझने के लिए। अब ये जी इंग्लिश वाला लिखा है ना, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है ग्राउंड। क्या मतलब है, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, मैदान। इस जी का मतलब क्या है, ग्राउंड, और ग्राउंड का मतलब मैदान। यानी कि मैदान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि आप लोगों के दजिया कहलाती है। बहुत बेस्ट तरीका है ये याद रखने का, बिल्कुल ऐसे लिखो दजिया, ठीक है। ये जी इंग्लिश वाला लिखो, द ये लिखना है बस, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान, और मैदान में की जाने वाली दजिया है, पहाड़ी डालों पर की जाने वाली चीमाता है, और जंगलों को जला कर की जाने वाली वानरा है। और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, बस दिमाग में आप लोगों के फिट तो बढ़िया, क्लास हिट, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट अब, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, पढ़ना ही मतलब नहीं है, याद हो जाए ना चीज तो बस। अपर पौबारे 25, ठीक है, पौबारे 25 का मतलब क्या होता है कि लीला लहर होना। लीला लहर मतलब सब कुछ मिल जाना, मतलब छप्पर फाड़ के मिलना, यानी कि पौबारे 25। देखो अब विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, विभिन्न क्षेत्रों में देश, अपने देश के अंदर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग की जाती है, और विश्व के अंदर भी देखोगे तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि के नाम आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब देखो ये सारे जितने स्थानांतरित कृषि के नाम होते हैं ना, मैंने सारे सारे स्लाइड में शामिल कर दिए, इसके बाद तो पूछते ही नहीं है। देखो असम में कहते हैं झूम, तो क्या ध्यान रखना, अरे झूम बराबर झूम सराबी, ठीक है, अरे झूम, यानी असम में क्या कहा जाता है, झूम या झूमिंग कहा जाता है, और ज्यादातर झूमिंग कृषि के नाम से ही जानते हैं, तो अरे झूम, ठीक है। कुछ के याद करा दूंगा, कुछ ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है, अरे झूम ऐसे ध्यान रखना है। यहां पे केरल के अंदर कहा जाता है चोनम, तो यहां पे ध्यान रखना कैमचो, छो होता है गुजराती में तो बोलते हैं कैमचो के मजामा, ठीक है, सरस मजामा, लेकिन अपने यहां ना कैमचो, यानी कि केरल के अंदर क्या कहते हैं, चोनम कहते हैं, केरल में क्या कहा जाता है, चोनम कहलाती है, ठीक है। उड़ीपोड़ू, क्या ध्यान रखना है, उड़ीपोड़ू, यहां ध्यान रखो उड़ीपोड़ू, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोड़ूपाई कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, पोड़ू और पाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य का मतलब होता है बीच, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, क्या होता है मध्य का मतलब, बीच, तो मध्य प्रदेश में बीवर बीच, ठीक है, बीच में, तो मध्य यानी बीच में तो होता है। रटनर कट काम है, मन बताओ थे रटनर काम है कि, ठीक है। बस्तर दीपा, तो ऐसे याद रखो, ऐसे कहते हैं ना, बस्ती कहते हैं ना अपने, याद रखना बस्ती, ठीक है, बस्ती, बस्तर दीपा, यानी कि ये आगे आपके छत्तीसगढ़ के अंदर वाली, ठीक है। मैक्सिको, तो मैमी, मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मिल्पा, या फिर बीच वाले अक्षर से भी ध्यान रख सकते हो, इसमें भी आधा ल है, इसमें आधा क है, ठीक है, ठीक है। तो यहां इस तरीके से याद रखना है आपको। ब्राजील के अंदर क्या कहा जाता है, रोका, ब्राजील के अंदर क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है, ठीक है, तो ब्राजील रो, ब्राजील रो, क्या है, पूरा याद रखो ब्राजील रो, ठीक है, ब्राजील रो। श्रीलंका के अंदर चैना, श्री चैना, श्रीलंका के अंदर चैना, तो श्री चैना, श्री चैना। मलेशिया में कहा जाता है लदांग, क्या कहा जाता है मलेशिया के अंदर, मलेशिया में कहा जाता है लदांग। वेनेजुएला में कोनुको, ठीक है, तो ऐसे याद रखो वेको, वेनेजुएला में कोनुको। वीरे, वीर जी, ठीक है, वीरे पंजाबी में कह दिया करे भाई ने, भाई ने कहीं कहे वीर जी, तो कहे ओए वीरे, ऐसे कहते हैं ना, ओए वीरे हुण, ठीक है, यूं। इंडोनेशिया में लवांग, यहां ध्यान रखना मलेशिया में लदांग है, इंडोनेशिया में लवांग है। और मेडागास्कर में कहा जाता है तावी,
ठीक है, मेडागास्कर में तावी और थाईलैंड के अंदर तमराई। तो देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को याद करवा दिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो यहाँ पे ज्यादा है आप लोगों के। तो ये मैंने आप लोगों को स्पेशली याद करवा दिए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पढ़ना है दो चार बार बस, ज्यादा लोड नहीं लेना है उसमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्थानांतरित कृषि, ध्यान रखना, ले स्क्रीनशॉट, चलो भाई फटाफट आगे बढ़ा। ठीक है, अन्य कृषि प्रकार देखो, पहाड़ी डालो वाली कृषि देखो ये रही, ठीक है। अब देखो इसे क्या कहा जाता है, समोच्च कृषि। अब क्या है, अन्य जो कृषि के प्रकार है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। अब देखो ये है समोच्च कृषि, पहाड़ी डालों के विपरीत की जाने वाली जो कृषि है वो कहलाती है समोच्च कृषि। जैसे कि ये पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि है उसको कहते हैं समोच्च कृषि, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि, अब जीवन निर्वाह कैसी होती है, जो सिर्फ जीने के लिए, उसमें कोई अपने मतलब अर्थ लाभ नहीं है, यानी पैसा कमाना उद्देश्य उसके अंदर नहीं है। कितना उगाएंगे, जितना खाना है, जितना अपने परिवार के लिए चाहिए उतना उगाएंगे, तो उसे कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। क्या कहेंगे, जीवन निर्वहन के लिए पारंपरिक रूप से की जाने वाली कृषि। अब जब ज्यादा उगाना होता है कि बेचना भी है, मंडी में ले जाना है, तब तो क्या मशीने वसीने काम में ले जाती है कि ज्यादा उगाओ भाई बेच के पैसे कमाएंगे। जब ज्यादा उगाना ही नहीं है तो परंपरागत तरीके से जितना खाना उतना प्राप्त कर लेते हैं, मशीनों में क्यों फालतू खर्च करना। तो वो क्या होता है, पारंपरिक रूप से की जाने वाली कृषि है। फिर इसके अलावा देखो मिश्रित कृषि, सीधी सी बात है जब कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाए, कृषि प्लस पशुपालन यानी कि दोनों जब साथ में किया जाए तो मिश्रित कृषि है। और ज्यादातर कृषि के साथ में पशुपालन किया ही जाता है, ज्यादातर जो किसान है, ज्यादातर जो कृषक वर्ग है वो पशु पालते ही है, ठीक है, या पशुपालक है वो खेती करते ही है। तो ज्यादातर कृषि कैसी होती है, मिश्रित कृषि ही होती है, ठीक है। इसके अलावा आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम क्या है, आदिम कृषि। अब जैसे कि आदिवासी समूह द्वारा की जाती है, ठीक है, मूल निवासी भाई बहनों द्वारा की जाती है ना, तो वो आदिम कृषि का ही, आदिम कृषि इसका ही दूसरा नाम है स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और एक बारानी कृषि, जो अपन ने शुष्क कृषि पढ़ी ना सबसे पहले ऊपर लिखी हुई, उसी का दूसरा नाम है बारानी कृषि, ठीक है। अब देखो जैसे खेती के साथ में पशुपालन भी किया जाए तो वो कैसी कृषि कहलाएगी, मिश्रित कृषि कहलाएगी। तो ये अन्य जितनी कृषि है वो सारे यहां आ गए। अब यही क्लास में पढ़ाने में एक घंटा डेढ़ घंटा ले सकता था, क्योंकि बढ़िया मजेदार क्लास है, बढ़िया बातें चलती बढ़िया, लेकिन अभी एक स्लाइड और बाकी है और अपने अभी तक लिए हैं मात्र कितने 22-23 मिनट, अब 2-4 मिनट की और बात है। पढ़ना है ना तो समय को बचाना सीखो, और समय को जब यदि सदुपयोग करना सीख गए, मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लेना, मैं कभी किसी के कमेंट पढ़ता हुआ आप लोगों को नजर नहीं आऊंगा, या क्या हाँ भाई ऐसे वैसे, क्या मतलब रे फालतू की बातों से। तो पढ़ाना है तो शुद्ध तरीके से पढ़ाओ, कोई मटर कस्ती कोई बातें बीच में, मतलब ही कौन है। हाँ करनी है कुछ तो वो पहले की जाती है, क्लास के पहले, बाद में कर ली। और मतलब आधे घंटे की क्लास को आधे घंटे में ही देना है, मेन टारगेट ये है, आधे घंटे की क्लास को डेढ़ घंटा खींचने से फालतू व्यूअरशिप, ऐसे ही फालतू की व्यूअरशिप नहीं चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। ले स्क्रीन शॉट, मैसेज कर, अब है कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं जो डायरेक्ट पूछी जाती है ना, डायरेक्ट पूछी जाती है और डायरेक्ट याद भी करनी है, और इनमें से सवाल बनते हैं, ठीक है। अब जैसे एपिकल्चर सेरिकल्चर वगैरह, कौन मैसेज कर रहा है, एक मिनट, हाँ देखो कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आप पढ़ रहे हैं, तो यानी कि ये भी याद आप लोगों को करनी है। अब जैसे ये शाखाएं हो गई, फिर कल की अपने क्लास आएगी उसमें बहुत सारे अपने क्रांति वगैरह पढ़ेंगे, जो कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं, और भी फसलों की किस्में हैं वगैरह जो भी, तो कृषि से रिलेटेड अपन जितनी चीजें हैं ना सारी की सारी पढ़ेंगे। और ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, किसका टॉपिक है, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। अब देखो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फलों की कृषि, क्या होता है फलों की कृषि। ओलेरिकल्चर यानी सब्जियों की कृषि, जहां सब्जियां ज्यादा उगाई जाए वो ओलेरिकल्चर। अब ये क्या है, विज्ञान, कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखा है, इनका अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फूलों की कृषि से संबंधित। विटीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूरों की कृषि से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। रेशम पालन, रेशम के कीट पाले जाते हैं उसके बाद में रेशम प्राप्त किया जाता है, तो सेरिकल्चर कहलाता है।
वर्मी कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैचुए का पालन, ठीक है, कैचुआ पालन वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर घोड़ा खच्चर, इतना पूछा नहीं जाता लेकिन इसके नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये फिशी कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मछली पालन, क्या नाम से ही। एपिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाओ, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपिकल्चर। मेरी कल्चर, समुद्री जीवों से संबंधित, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्वी कल्चर, ओल्वी कल्चर यानी जैतून की कृषि से संबंधित, किससे, जैतून की कृषि से संबंधित। हाइड्रोकल्चर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस हाइड्रो से ही पता चल जाता है कि पानी का कहीं ना कहीं इसके अंदर नाम आने वाला है, तो पानी में की जाने वाली कृषि। इसके अलावा देखो आर्बोरी कल्चर, वृक्ष और झाड़ी से संबंधित जो शाखा होती है वो, और सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित शाखा है। अब ये आप लोगों को भैया सीधी याद करनी पड़ेगी, मैंने उपलब्ध करवा दिया आप लोगों को कि ये चीज है, ठीक है, और वैसे इसके नाम से कई के जो है निकल रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसी के साथ बताऊं आप लोगों को कि मैथ्स की जो क्लासें हैं वो आप लोगों के तकरीबन पूरी हो गई है, एक या दो बाकी है वो आ जाएगी, उसके बाद में मैथ्स की जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्लासेस ओपीडी पर लगनी शुरू होगी। प्रमोद सर जो है अब ओपीडी पे आप लोगों के लिए अपने मैथ्स की क्लासेस लेना शुरू कर लेंगे, तो अब जो है आप लोगों को यदि ध्यान नहीं है तो ओपीडी सर्च करो, 120,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लेना उसे और उससे जुड़ जाना। अब वहां पे जो है मैथ्स की आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अब जो है सवालों के हल वो करवाएंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है। और बाकी आप लोग मैथ्स की जैसे हमने टेस्ट सीरीज नहीं दी है वो वहां पे सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है, ओपीडी पे ही, और बाकी चीजों की सीईटी की पशु परिचर की सबकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो उनसे आप भरपूर अभ्यास कीजिए क्योंकि ये अभ्यास बहुत काम आना है आपके, जितना आप अभ्यास कर लोगे उतने आप पारंगत हो जाओगे, तो इसलिए बिल्कुल डिले नहीं करना है इन चीजों में, फटाफट से ज्वाइन करके फटाफट से आप लोगों को अभ्यास सुनिश्चित कर लेना है क्योंकि बाद में फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।